So good morning students, once again welcome to all of you. So आज हम बात करने हैं sounds के ऊपर जो आपके अब तक मेरे पास जो doubts आए हैं उसके बारे में. doubts का वैसे तो अब तक किसी ने कुछ ज्यादा कुछ खास भेजा नहीं है, कुछ बहुत ही कम students रहे हैं जिन्होंने अब तक participate किया है. तो मैं पर फिर भी जिन्होंने जो पूछा है उसके ऊपर मैं छोटा छोटा थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ. पहला तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा लोगों को डाउट पूछने कैसे क्या है ये. दूसरा अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि असाइनमेंट करना है क्या, करना है तो कैसे करना है, अभी तक ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा. नोट्स कैसे बनाए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को कि नोट्स बनाने कैसे हैं. ठीक है, तो मैं इन कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा. इसके अलावा मेरे पास कुछ बच्चों का जो सोल्यूशन आए हैं, किसी बच्चों ने भेजे हैं मेरे को नाम, उनके बारे में मैं कुछ बात करूंगा. पहले बात कर लेते हैं कि भाई डाउट्स क्या क्या आए हैं अब तक. तो कोई डाउट्स नहीं है क्योंकि तो शायद अभी तक आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं. दूसरी बात, हाँ दूसरी बात यही है कि असाइनमेंट अभी तक करना कैसे है, कॉपी में करना है क्या, कैसे करना है कैसे नहीं करना है. तो देखो पहले तो आप पूरा लेक्चर गो थ्रू करो कि पूरे लेक्चर में मैंने समझाया क्या है. और अब तक लास्ट जो होमवर्क है पार्ट वन का जो मैंने दिया हुआ है वो अब तक बहुत ही कम, कुछ 4 से 5 बच्चों ने अभी तक सबमिट किया है. इसके अलावा किसी बच्चे ने सबमिट नहीं किया है. जिन सभी के नाम मैं अभी लूंगा उनमें क्या कमियां थी क्या खामियां थी वो सभी अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी पहले आपको पूरा लेक्चर पढ़ना है. लेक्चर पढ़ने के बाद में आपको वहां से जो की पॉइंट्स मिल रहे हैं या तो आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिखें. छोटा छोटा आपको हिंदी में समझ में आता है आप उसे हिंदी में लिखने की कोशिश करें, उसके बाद आप उसे ट्रांसलेट करें अपनी लैंग्वेज में ताकि आपका इससे इंग्लिश की जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी. ठीक है, और जहां तक हो सके अगर आप यहाँ से अगर आप शॉर्ट नोट्स जैसा मैं शॉर्ट में ही लिखवाता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए तो आप वहां से उस तरीके से भी लिख सकते हो. लेकिन आप कैसे उसको एक्सपेंड करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है ये स्किल आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी. क्योंकि आप तक अब तक जो आप लोगों ने 7th क्लास तक अप टू पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा होगा जो लिखा लगाया बुक में होता है उसमें आपने आज तक टिक किया होगा. टिक करने के बाद में आपने वही चीज को रट के अब तक लिख लिया, अब तक ये हुआ. लेकिन अब आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन भी देने हैं तो ऐसा काम अब नहीं चलता. क्योंकि अब तक आप लोगों के स्कूल में ही पेपर बनते थे, मतलब इन होम एग्जाम्स होते हैं तो ऑब्वियस है कि वो जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो इन होम सेट होता है. सभी स्कूल्स में यही होता है कि पेपर जो होता है वो क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से सेट किया जाता है कि बच्चे आराम से कर लेते हैं. लेकिन बोर्ड का पैटर्न अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी बुक में से पूछे जा सकते हैं. तो आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए. तो अगर आज आप लोग ये काम कर लोगे तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना होगा आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. किसी क्वेश्चन का आंसर को लिखना कैसे है तो आप सबसे पहले पूरा लेक्चर पढ़ें, उसे अपनी ओन लैंग्वेज में उसमें से जो की पॉइंट्स जो मैंने समझाए हैं जहां पर मैंने ऐसे डबल स्टार मार्क किया वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने कहा है कि हाँ यहाँ ध्यान दें इसका मतलब वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. वहां से क्वेश्चन हर बार आता है तो ये बात आपको पहले करनी है. उसके बाद असाइनमेंट के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए दिया था, बच्चों ने क्या किया है गूगल किया डायरेक्ट. गूगल करने के बाद में जो स्टाफ उन्हें सबसे पहले दिखा उन्होंने उसको लिखा और पोस्ट कर दिया. बहुत बड़ी मिस्टेक क्योंकि गूगल पे, हाँ मैं ये नहीं कह रहा गूगल ने आंसर गलत दिया होगा, गूगल का आंसर बिल्कुल सही है मान लिया, लेकिन आपको ये समझ भी तो आना चाहिए, ये समझ भी तो आना चाहिए ना. अभी एक बच्चा है शायद भानु प्रताप नाम है उसका, तो अभी इस बच्चे ने क्या किया कि एक क्वेश्चन आंसर उठाया शायद अभी सॉलिड और लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर इसने रिलेशन बताया कि वेलोसिटी क्या होती है साउंड की, इसके बारे में इसने बात करी है. इसको उसने कनेक्ट किया प्रेशर के साथ. आई डोंट नो इसने कहां से कनेक्ट किया है, पॉइंट बहुत अच्छा डिस्कस किया इस बच्चे ने, लेकिन इस प्रेशर का उसने जो रिलेशन बनाने की कोशिश करी है वो ढंग से एस्टेब्लिश नहीं हुआ. ये जो कहना चाहता था ये बात अभी इससे जो हो सकता है इसने जो समझा हो कहीं से पढ़ा हो लेकिन ये अपनी लैंग्वेज में इसे कन्वे नहीं कर पाया. ये एक अच्छा पॉइंट पता चला ना कि हाँ इसने बात तो सही उठाई कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे घटेंगे पास आएंगे दूर होंगे. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया इसने
लेकिन इस चीज को वो सही से कन्वे नहीं कर पाया है। तो ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको कहा था कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आप अभी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 10-11 बजे मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, 12 बजे पढ़ रहे हो, आपका डाउट सेशन होने वाला 5 बजे, तब तक आप शायद आपको 2 से 3 क्वेश्चन में डाउट आया भी हो या 2-3 चीजें समझ नहीं भी आई हो, लेकिन शाम तक इवनिंग आते आते शायद आप भूल जाओ। तो आप दो काम कर सकते हो, पहला ग्रुप में 5 बजे से पहले पहले जो जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं आप पीछे कॉपी के पीछे नोट करते जाओ कि मेरे को इन इन क्वेश्चन में डाउट है। अगर आपको ये सुटेबल लगता है आप ये करें, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होगा ग्रुप के अंदर तो बाकी बच्चों को भी पता चलेगा। दूसरा, अगर ये ऐसा नहीं हो पाता आपसे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको पहले ही बोला कि कमेंट सेक्शन में जाओ और सबसे पहले कमेंट कर दो वही क्वेश्चन का, हाथों हाथ नहीं, जहां पर आपको प्रॉब्लम आई कमेंट कर दो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। और जहां तक हो सके ये डाउट वाला तो कुछ आना ही नहीं किया, क्योंकि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही आप रिकैप कीजिए उस चीज को, ढंग से पढ़िए, एक बार फिर से सुनने की कोशिश कीजिए मैंने बोला क्या, तो आपको डाउट नहीं होंगे। और तीसरी बात, कुछ बच्चे हैं मेरे पास, कुछ गर्ल्स का, एक आधी का गर्ल्स का फोन आया मेरे पास में, उन गर्ल्स ने कहा कि सर हम ढंग से क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे हैं, कुछ गर्ल्स जो है वो अपने आप में ही मतलब ग्रुप बना के डिस्कशन कर रही है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वहां नहीं डाल रही है, ना ग्रुप में डाल रही है ना कमेंट सेक्शन में डाल रही है। तो प्लीज इससे बच्चों आप ही का नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, प्लीज एक्टिव बनिए। जब तक आप एक्टिव नहीं बनोगे आपको किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको डाउट्स हैं प्लीज रेज योर डाउट्स, वी विल हेल्प यू। अगर आप इतनी हेल्प कर रहे हैं तो इन डाउट्स की भी हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल अलग से क्लास लेके आया हूँ डाउट के लिए। सो प्लीज आप सबसे पहले अपने पूरे लेक्चर को कवर कीजिए, आपको जो असाइनमेंट मिल रहा है उसे आप अपनी लैंग्वेज में अपनी उसी नोटबुक में करें जिसके अंदर आपने साइंस के नोट्स बना रहे हो, आप प्लीज उसका पिक क्लिक कीजिए, गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, डायग्राम नहीं बनाया, क्या प्रॉब्लम है, ये मैं इंप्रूव करूंगा, लेकिन असाइनमेंट जरूर करना है। मैंने बताया ना इस बच्चे ने ये प्रॉब्लम करी, एक बच्ची है अक्षरा, अक्षरा इस बच्चे ने क्या किया, काम किया पूरा ढंग से लेकिन एग्जाम्पल नहीं दिए, इसका मतलब यहां पर मार्क्स कटने के चांस है। एक बच्ची है या बच्चा है पता नहीं, ये शायद यशराज नाम से है कुछ, उस बच्चे का जो आया उस बच्चे ने सब कुछ किया लेकिन एक पोस्टर बना दिया। अब इस पोस्टर का क्या करेंगे, पोस्टर क्या करें, कोई काम नहीं है इस पोस्टर का। सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ना, क्योंकि आपको एग्जामिनर को पोस्टर से नहीं आंसर शीट से बताना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स बहुत अच्छी है मानते हैं, लेकिन इस चीज को सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज इस चीजों को ध्यान से देखें, पहले पूरा तो डाउट जितने हो सके लेकर आए, क्योंकि डाउट आने का सीधा सीधा मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, डाउट तभी आते हैं जब आप पढ़ते हो, बिना पढ़े डाउट कभी नहीं आते। दूसरी बात, असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट करें, अगला लेक्चर है उससे पहले असाइनमेंट सबमिट कर दें। नेक्स्ट, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, जितना हो सके एक पॉइंट टाइम पीरियड क्लियर हो गया नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जाऊं उससे पहले उस टाइम पीरियड को एक बार फिर से सुन लो, क्या समझ में आ रहा है, डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, नोट दिस डेफिनेशन, मैंने कहा है कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बॉक्स किया हुआ है, कलर चेंज करके चाहे आप दूसरा पेन यूज करो, चाहे कलर चेंज करो, चाहे बॉक्स बना दो, आपकी मर्जी है, वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास स्टफ कितना मौजूद है। आप ऐसे नोट्स बनाओ कि सामने से बाद में हाईलाइट हो नोट, बाद में आंसर राइटिंग वाले जब मैं क्वेश्चन दूं असाइनमेंट के, वो क्वेश्चन उसी नोट्स में से आपके आंसर निकल जाए, आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मेरे को बतानी थी, और बाकी कुछ डाउट्स अब तक कुछ आए नहीं है, क्योंकि शायद आप लोगों ने अब तक पढ़ाई ढंग से की नहीं है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करें, और कल के सेशन में, यानी कि जो जस्ट अभी जो लेक्चर आने वाला है, इसके बाद में अभी जो आने वाला है नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे लाउडनेस के आगे का जो कंटिन्यू करने वाले हैं, उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए कंपेयर दिन दिस सेशन जो लास्ट अभी जो गया है। और मुझे सभी बच्चों का नाम, जो बच्चे देख रहे हैं इस लेक्चर को, सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले आज सिर्फ 2 बच्चों की अटेंडेंस आई, एक अक्षरा नाम से और एक शायद एक बच्चा कोई और है शक्ति नाम है शायद, आई थिंक उन दोनों ने बस कमेंट किया, बाकी किसी भी बच्चे ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हम फिर एफर्ट क्यों कर रहे हैं सारे, आप ही के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को समझें
और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस पूरी चीज के अंदर। इससे ओवरऑल फायदा आप लोगों का है, हमारा कोई फायदा नहीं है। हाँ, फाइनली रिजल्ट अगर आप लोगों का अच्छा आएगा तो फायदा तो ऑब्वियसली है, स्कूल का भी होगा, हम हमारा भी रिजल्ट अच्छा जाएगा, ऑब्वियस है। लेकिन एफर्ट अगर हम करें तो प्लीज आप भी करें। तो इसी के साथ मैं इस डाउट सेशन को अभी यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं डाउटनेस के ठीक अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।